जय माता दी। हाँ जय माता की। चरण सिंह जी, मैं ये कह रहा था भैया जी, अपन लोग कर मैंने YouTube देखा। हाँ, पहले तो कई जगह जा चुका था, करौली वगैरह, और वो कहते हैं मरता क्या नहीं करता है। हाँ हाँ, जब मैंने YouTube देखा तो मैंने चलो मैं भी माँ होके आया हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ से निकलता था घर से, तो यहाँ से पड़ता था 419 किलोमीटर एक साइड से। अच्छा। हाँ, पंडोकर धाम। तो मेरे साथ क्या है, मैं अकेला कभी जा नहीं सकता हूँ। मेरे साथ में ना घर वाले 2, 3, 4, 5 लोग तक, 6 लोग तक रहते हैं। हाँ, क्योंकि दिक्कत मेरे को ज्यादा थी। हाँ, तो फिर मैं पंडोकर धाम गया, तो मैंने वहाँ का जो नियम समझा, पर्ची वर्ची कटाई, तो मेरा छोटे वाला बेटा भी साथ था, तो उसको भी दिक्कत थी, कमरे में दर्द हुआ करता था लेफ्ट में। हाँ, तो उसने अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लिए थे, तो मैंने कहा चलो कहीं दिखवा लेते। हाँ, तो जब हम वहाँ गए तो मैंने पूछा, बोले क्या प्रोसीजर है, बोले कम से कम यहाँ पे 2100 रुपए की पर्ची है, तो आपको देखो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कब की बात है, ये 2000 उसमें तारीख दी है, 2000 में गया था मैं। अच्छा, मतलब दो दो साल पुरानी बात हो गई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो तारीख वगैरह उसमें है ऐसा, वो क्यों क्या वो ग्रुप में मैंने आपको भेज रखा है। हाँ, जो आपने फोटो भेजी है मुझे उसमें होगी। तो मेरे को तारीख ध्यान नहीं है। हाँ, तो फिर मैं लॉकडाउन में भी गया परमिशन बनवा के, जो यहाँ पे परमिशन मिलती है DM से। अच्छा, तो जैसे तैसे जुगाड़ करके परमिशन बनवा के मैं गया, तो मेरे साथ मेरे घर वाले बच्ची बच्चे गए, तो हमें भैया दोनों ने पर्ची कटाई, मेरे छोटे वाले बेटे ने, मैंने भी कटाई 2100 की। अच्छा, फिर पूछा उनसे, तो मैंने कहा जी बहुत परेशान है हम पूरा परिवार। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम पूरे परिवार की किसी की नहीं बताएंगे, जिसकी पूछनी है तो आप अलग अलग पर्ची कटा लो। तो मैंने कहा मैंने छोटे वाले बेटे से कहा, मैंने कहा तुरंत तू अभी पर्ची कटा ले, तो इसे रख। तो मैंने कहा गुरु जी इसकी भी कटवा देता हूँ। बोले ठीक है, कटवा के ले आओ। तो हमने दो पर्ची कटवा ली और मिल लिए। जैसे रात को पहुंचे तो रात को ही हमने नंबर लगा लिया पर्ची का। सवेरे हमने ना शाम को फिर शाम हुई तब हमारा नंबर आया। अच्छा, नहीं तो आपने 2100 की पर्ची कटाई तो तुरंत नंबर कैसे आ गया आपका? नहीं, दो एक एक दिन वहाँ रुकना पड़ा, उसके बाद आया। अच्छा अच्छा, हाँ, जैसे वहाँ तुरंत तो आता ही नहीं है। हाँ, तुरंत तो किसी का नहीं आएगा, जो ज्यादा VIP लोग हैं। भैया अपन तो गरीब आदमी थे और मारे धारे थे परेशानी के। हाँ, उनके काम वहाँ ज्यादातर सुने जाते हैं, जो 70,000 की और बड़ी बड़ी पर्ची कटाते हैं, उनको जल्दी बुला लेते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, और 2100 की तो कोई मामूली चीज है, फिर भी उनका कर्म था बजरंग बली का, तो मेरे को बुला लिया, तो मैं चला गया। हाँ, अब भैया जी हुआ क्या कि मेरा जो शरीर था पूरा सड़ा था। हाँ, तो मेरे को ना वो चौकीदार था ना, तो कम से कम किसी को प्यार से कह दो भैया, को कुछ भी कह दो, तो थोड़ा साइड हो जाए। मेरे को उसने धक्का दिया और मेरे को ना खून निकल गया, तो मैंने उसको थप्पड़ मारने लगा, मैं गाली गलौज करने लगा। तो यहाँ पे क्या है, ये लोग है ना ठीक नहीं है, धाम के हिसाब से ये लोग ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इनको एक तो कमीज नहीं, अब मानते हैं तो जो पूरी उसको चला रहा है उसका बर्ताव भी कुछ अलग होना चाहिए, और वो है वो तो है ही। चलो, हाँ, और गुरु जी का भी मुझे ठीक नहीं लगा, देखो जी मेरे को कोई समस्या है तो आप तो अपनी अपनी कह जा रहे हो, और आप डॉक्टरों में मरीजी मेरी नहीं सुन रहे हो, तो फिर मतलब ही नहीं। सही है, अब बताने को तो जी मैं चैलेंज देता हूँ, मैं किसी का भी बता दूंगा, पर उसको समस्या का समाधान नहीं है तो बताने से क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे किसी को क्या पता है कि झूठ बोल रहा है। अभी मैं कह दूँ कि आपको 4 बजे तक लगेगी, उसका कोई प्रमाण तो है नहीं कि ये दिखता है कि नहीं, या तो उसको हाजिर करो या खत्म करो, तो मानो। हाँ, तो कोई बात नहीं, फिर मैंने वो उनने साइन वाइन करे मेरे बता दिया, उनको ठीक है जी। क्या क्या बताया? बोले 4 शैतान है। हाँ, कट जाइए आप सुबावती मैया में, वो स्नान करो। हाँ, और अपने वहाँ पे जल चढ़ाओ और घर निकल जाओ। मैं ठीक है जी, तो मैं उसमें नहा दे के जैसे फिर मैं घर निकल आया। हाँ, फिर मैं अमावस्या को गया, तो मैं यहाँ से घर से निकलता था रात को। हाँ,
फरीदाबाद से, और जब फरीदाबाद से रात को निकलता था तो मैं सुबह वहाँ जल्दी पहुँच जाता हाँ। या कभी शाम को ही पहुँच जाता, गाड़ी घोड़े कभी लेट भी हो जाती है, कभी जल्दी पहुँच जाते थे। तो सफर तो लंबा ही था वैसे। हाँ लंबा था। हाँ तो फिर भी मैं वहाँ, फिर मावत की मैंने तो जो मेरा छोटे वाला बेटा था तो उसकी भी मुझे पर्ची कटानी पड़े, मेरे को अपनी भी कटानी पड़े 1100 की। तो उसमें क्या होता था, जैसे ये पहले नंबर वालों को देखते तो फिर वो लास्ट में रह जाता, तो बोले ये मावत क्या करने आए, तो साइन मारो। और मैंने कहा गुरु जी किसी मेरी सुन भी लो, तो नहीं वहाँ पे जो 100-200 जो भी रखना उनके हाथ पे रखो और वो साइन करेंगे निकल जाओ। तो भैया मैं गया, फिर एक मावस की तीसरी से, फिर तीसरी से मैंने पूछ ही लिया इनको, एक तो मेन पर्ची हो गई और एक मावस हो गई। फिर जब मैं तीसरी मावस में गया करने के लिए, मैंने पूछा गुरु जी मेरे को तो कोई आराम नहीं लगा, तो बोले लग जाएगा, सात मावस क्या करो, आपको भरोसा नहीं। मैंने कहा गुरु जी मैं कोई हनुमान जी तो हूँ नहीं, क्या आपको सीना खोल के दिखा दूँ कि मैं मतलब परहेजगार हूँ, कि मतलब मैं आस्था रखता हूँ। ये तो हर आदमी कहीं भी जाता है तो आस्था तो रखेगा ही। तो इनमें ठीक है ठीक है चलो, तो मतलब वहां से फटाफट निकाल दिया। अच्छा तो ये आप हर बार मिलते थे क्या? क्या थी? नहीं वो जो पंडोखर था मतलब वो बाबा है, उनसे हर बार मिलने को मिल जाता था? नहीं वहाँ पे क्या जैसे दरबार लगता है जो पर्ची होती है ना अमावस्या की, तो उनको ये जैसे दरबार खारिज किया शाम को, तो बोले अब दरबार खत्म है, फिर वहाँ खड़े हो जाते हैं, वहाँ लाइन लगती है, तो जो वो जो मावस करते हैं उस पर्ची को भी साइन मार के चले जाते हैं। अच्छा हाँ तो निकल के आओ, बात करने का कोई जरूरत नहीं। अच्छा हाँ अगर आपके पास 100, 200, 500 जो भी है या 10-20 रुपए तो उनके हाथ पे रखते जाओ, हम निकलते जाओ। मैंने ना उसकी ऐसे करके पहली पर्ची वो थी 2100 की, इसके बाद में तो मैंने 6 मावस किया थी, तो 7 बारी हो गया वहाँ पे। हाँ 7 बार हो गए। हर बार कितने लगते थे? एक बारी में मेरा खर्चा आता था कम से कम मेरा अंदाज है 30-35 हजार रुपये। इतना आ जाता था? अरे मेरे साथ में 5-6 लोग जाते थे, तो उनका खाना पीना और वहाँ पे रहना। और ये आप वहाँ पर हर बार मतलब जब जाते थे अमावस में तो उसमें भी पर्ची कटानी पड़ती थी? हाँ हर माह। हाँ ये तो है वहाँ माँ कुछ फ्री में तो फ्री नहीं है दाँत। अच्छा नहीं फ्री में तो माँ लेटरिन बाथरूम भी जाओ वो भी नहीं। तो कितने की पर्ची कटवा देते वहाँ? वहाँ पे 1100 की। अच्छा 1100 की आपको पर्ची कटवानी पड़ती थी? 1100 ने कटाई तो 1100 की मेरे बेटे ने, जिसको दर्द होता था उसने। अच्छा तो अच्छा बेटे की भी मतलब समस्या थी, उसकी भी पर्ची कटाते थे तो उसकी बेटी की समस्या दूर हुई थी? ना 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 वही तो आगे आ रहा हूँ मैं। अच्छा ये जो आप वहाँ पहली बार मिले थे तो आपको कागज में लिख के दिया होगा कि आपका कब तक सही होगा? ये ऐसा है वो इनकी लिखाई खुदा माँ से, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है। हाँ उसमें जैसे शुभ हिंदी है तो वो भी नहीं लिखी, मेरे तो समझ से बाहर है। हाँ उसमें होता तो चलो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा तो किसी और से पढ़वा लेता। अच्छा और उसमें ऐसी हिंदी लिखी हुई है तो मतलब हाँ तो हिंदी वाला भी फेल हो जाएगा, क्योंकि ओम बनाती है तो ओम का भी अगर सामने पूछोगे तो भी कुछ भी कह देंगे। हाँ गलत पढ़ रही ओम नहीं ये है। अच्छा तो आपको मुंह जवानी बताया था कि कब तक सही होंगे? तो अब क्या हुआ कि मैं वहाँ पुष्पावति जैसे एक दिन गया तो मावस जाके लिए, तो लॉकडाउन तो चल ही रहा था। हाँ तो मैं जैसे तैसे मतलब पर्ची बनवा के डीसी से और वहाँ से तो गाड़ी पे पर्ची चिपकवा के फिर मैं वहाँ बड़ा मुसीबत का खेल था, धौलपुर से करने में नहीं देखे। एक बार तो मेरा सालन हो गया था 2000 रुपए का, जब लौट रहा था तब तो मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, तो उनने वहाँ पे एक सरदार जी थे स्टार से, उनने कहा चलो कोई बात नहीं है धाम से आ रहे हैं तो इनको निकल जाने, फिर भी मेरे 2000 रुपए का सीमा लग गया। फिर साहब मैं गया तो सर्दी का समय था और सर्दी प्रवृत्ति भयंकर, तो शाम को मैं इनसे पूछा जब ये जो पेशी थी आगे वो करते थे ना साइन, तो मैंने गुरु जी मैं तो 6-7 बारी हो चुका अब बताओ क्या करूं,
बोले आप एक काम करो अभी नहाने जाओ, तुरंत मैं कह रहा हूँ आपकी बिजली अभी से बंद हो जाएगी। और सर्दी इतनी पड़ रही और मैं वहां जब गया वो कौन सी कन्वेश्वरी महारानी के वो जमुना जी के गाना जी क्योंकि मैं तो परेशानी में था तो मेरे को तो मेरे घर वाले भी समझते कि ये गाली भी रख दे कहीं। अब ये घर वाले जबरदस्ती करने लगे, बेटा ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा ला वहाँ ले पहुंची तो चारों सारे खड़े हो गए कि बोल पापा कुछ भी करो हो सकता है बजरंग बली चाहे तो तुम्हारी खजली वजली खत्म हो जाएगी। तो मैंने जैसे तैसे महाराज दीपक लगाई और बाहर निकले आया। फिर मैं वही अब इतना बढ़िया था कि मैं मतलब अब रात को ना वहाँ से गद्दे भी लेने पड़ते हैं। अच्छा तो क्या बिगर वहाँ पैसे तो कुछ नहीं है, वो तो बेटा ही छोटा वाला बताता होता है हरी के पापा इतना खर्चा क्योंकि बच्चे ही करते हैं तो मैं मेरे को क्या करना है। तो वहाँ पे अब हम छह सात लोग थे, फिर वहाँ पे गद्दे लिए वहीं रात भर सोए फिर सवेरे अब ये क्या है शाम को बैठते हैं छह सात बजे अब सुबह को बैठ जाए तो चलो आदमी फ्री हो जाए और शाम तक अपने घर आ जाए। तो शाम को ये फिर बैठे थे अगर ये करीबन पूरा दिन हो गया। फिर वहाँ पे होटल वोटल लगते हैं उनसे हमने खाना वाना खाया और फिर हम दरबार में छह बजे की फिर वहाँ पहुँचे गए। गाड़ी हमारी नहीं चली थी तो इधर काटना उधर काटना ऐसे ही घूमते रहते थे। अब साहब शाम को बात हुई तो मैं जब पूरी समाप्ति हो गई नंबर वालों की फिर वो केसी की पर्ची रहती है तो मैंने इनसे कहा मैंने गुरु जी आपने कही थी कि आप रुक जाओ अपने माँ से आओ मेरी खुजली तो वैसी चल रही है कुछ फर्क नहीं लगा। तो हुआ क्या था अब भैया जी मैं क्या बताऊँ वहाँ पे एक आदमी बैठा था मैं नारा था ना सुबह के टाइम तो मैं खुजा रहा था बड़े जैसे उसके पत्थर से तो ज्यादा खुजा रहा था तो भाई हो रहा था जैसे पीपल की उस पर छोटी नहीं आती ऐसे मेरा शरीर हो रहा था। तो यू पूछ रहा वो पूछ रहा था कि भैया ये क्या है मैंने कहा यही तो बीमारी है मुझे तो बोले कितनी बार हो गई मैंने की है छह बार ही आया हूँ तो बोले कुछ आराम नहीं लगा तो मैंने कहा आराम तो नहीं लगा तो उसको मैंने सारी बातें बताई। अब मुझे क्या पता था कि ये इतना बेकार निकलेगा ठीक है तो इसका तो मुझे ध्यान है कि उसका गाड़ी थी वो वलीनो और उसका नंबर था डीएल 12 उसके बाद वो जो और नंबर था मेरे को आज तक ध्यान नहीं रहा। उस बंदे ने जाके वहाँ उनसे कह दिया कि वो आपका किसी वो आपकी बुराई कर रहा था वो लड़का ऐसे ऐसे उसको खुद भी चलती है और आपने कुछ करा ही। अब जो सच बात है तो वही तो मैं कहूँ ना तो मैं वहाँ आया तो उनने अब शाम को मुझे रोक रखा था कि आपको मैं सुबह बता दूंगा और ये प्रोग्राम है ये करके और फिर आप निकल जाना मैं ठीक है। तो मैं जब जैसे गया तो उन्होंने मेरे को छूटते ही बोला आपका कोई काम नहीं होगा आप जाइए आप हमारी बुराई करते हो दरबार की ये है वो है। तो मुझे बोली तो ऐसी लगी कि मैंने कहा तो इनको क्या कहूँ वैसे तो ये है कि जीना मरना आर्मी उसके हाथ में मैंने कहा ये तो खैर मैंने फिर अपने बेटे से ही बोला गुस्सा में आकर कहने की रे ये कोई भगवान नहीं है बजरंग बली चाहेंगे वो होगा। मैंने कहा अपन यही सोचे कि बजरंग बली के दर्शन करने आते थे इससे अपने कोई लेने आते नहीं जो हो गया फिर चले। तो गुस्सा तो मेरे को बहुत थी पर भैया द्वार अगर अपना हो तो चाहे भले ही कोई जन्म आ जाए तो क्या कर लेगा कोई कुत्ता भी फिर हो जाता है ये तो भैया बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और हो सकता है कि शायद पीने के चाहे भले ही बॉडी गार्ड होते मेरे ही ना होते तो शायद मैं ही इनके साथ ऐसा करता। एक तो मुझे तकलीफ तबीयत खराब उस आदमी से कोई भी चेक जाए तो उसके लिए क्या मन करे क्या एम एल ए मरने को तो है ही। तो कुल मिला के ये हुआ कि कोई समय तो दिया नहीं था कि इतने दिन में सही हो जाओगे आप। देखो चौहान साहब एक बात बताऊं भैया जी बड़े प्यारी मैंने यहाँ पे दिल्ली में सारे हॉस्पिटल घूम लिए एम्स तक सब कुछ बड़े बड़े चेकिंग करा ली 20,000 रुपए तक के तो रिपोर्ट का इंतजार करो जब रिपोर्ट आई तो उसमें एलर्जी नॉर्मल और बीपी नॉर्मल फलानी बेकानी सारी चीजें तो मैं एक सोचता था कि मेरे को कुछ लेनी तो ये परेशानी कुछ बात की है। तो अब डॉक्टर का काम है कि जैसे अपने को बुखार है उसने पैरासीटामोल दे दिया तो तुरंत ठीक होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि जिस जाम पे गया हूँ मेरे पैसे खर्ची हैं तो कम से कम मुझे कुछ तो आराम लगना चाहिए। बिल्कुल 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 और ये सारी चीज में
आपका लगभग वहाँ इतने महीने तक आप चक्कर लगाए तो लगभग कितना पैसा खर्चा हो गया होगा? महाराज वहाँ जैसे अपन यहाँ से किराए पर गाड़ी करके ले जाते हैं मेरी बात, हाँ, तो पर 12 रुपए किलोमीटर प्लस टोल अलग है। टोल के बाद अगर अपन एक दिन खड़े हो गए तो उसके वो मतलब वहाँ खड़ी होने के 1000 रुपए लेता है, ठीक है। उसके बाद उनकी दिन में 250 किलोमीटर की रहती है, या तो दिन में 250 किलोमीटर चलवा लो और 200 रुपए नाइट में तो 1200 रुपए वो देने पड़ेंगे। ऐसे करके मेरा अंदाज है 2 लाख रुपए से मेरी गाड़ी पहुंच गई। 2 लाख के आसपास तक आपकी ठगाई हो गई? हाँ, तो लंबा हो गया है। अब मैं क्या बताऊं, अब घर से निकले तो अब एक तो परेशानी, तो रास्ते में कभी नाश्ता भी कर रहे हैं, कभी चाय भी पी रहे, ये तो हम ही तोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो बड़ी दिक्कतें मैंने भोगती और फिर माँ वो गंगा महारानी कौन सी है, माँ जाओ तो 100-150 का माँ पुष्पावती, हाँ अच्छा कुछ नाम बताए थे वहाँ, हाँ हाँ पुष्पावती गंगा मैया है वो। पर मैं तो एक चीज जानता हूँ, आपको क्या बताऊँ साहब, जैसे आप ये कहोगे तो यार बंदा गलत बोल रहा है। मैं वैसे सनातन से हूँ, सनातन को ही मानता हूँ और गायत्री परिवार से मेरी दीक्षा है, मेरे गुरु जी श्री राम आचार्य जी शर्मा, तो मेरी वहाँ दीक्षा हुई, सब कुछ सीखा मैंने, सब कुछ कराई, एक रुपए का खर्चा नहीं आया। पर मेरे ये विधि का विधान है, हो सकता है मेरे पास दुख आया तो कभी सुख भी आएगा। तो मैंने ना ये समय में एक बांकेश्वर धाम रह गया है तो वहां नहीं गया, और मैंने इंडिया का कोई कोना नहीं छोड़ा के धाम में गया नहीं। और नहीं, अगर कुछ पैसे बचे हो तो वहाँ भी चक्कर लगा लो, तो वो भी पैसे ले लेंगे, हो ना तो कुछ है ही नहीं। नहीं तो मैं जाऊँगा श्रद्धा के हिसाब से भले ही जाऊँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन सनातनी तो चलो आज का कलयुग का देवता सबसे बड़ा हनुमान जी, और तो कोई मतलब है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो आपके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है कि 2 लाख रुपए लगने के बाद भी 10% का लाभ ना हो, और ये अपने मुंह से कह दें कि आप नहा के आओ तुरंत लाभ होगा, तब भी कुछ ना हो, तो उनकी जबान कैसी जबान है कि आपको किसी तरह का लाभ ही नहीं दे पा रही है, तो हनुमान जी के नाम से केवल ठगाई कर रहे हैं। तो क्या ये पैसा इतना जो है सबसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा इन्हें शॉर्ट कट मिल गया है क्या कि वो सब पैसा ऊपर भी लेके चले जाएंगे? मैंने वही तो बोल दिया था उसमें, एक बात बताओ गुरु जी, पैसे कोई पीपल के पत्ते तो होने की, चलो इससे नहीं तो उधर से छोड़ लेंगे, ठीक है। और गाड़ी में पेट्रोल डीजल भी डलता है और ये खर्चे बढ़े रहे हैं, पर कम से कम अरे आराम तो लग जाए। हाँ सही बात है, आराम लग जाए तो भैया 2 लाख लग गए तो कोई तकलीफ नहीं है, अब आराम नहीं लग रहा है, 2 लाख लगाए तो ज्यादा हालत खराब हो जानी है। और एक बात और नहीं रामचरण भाई, चरण भाई समझ में आ रही है कि क्या ये जैसे हम लोग तो आप लोग और हम लोग तो दाल रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं ज्यादा, तो क्या ये रुपये खाते हैं क्या, इतने इन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है कि रोज ही करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं? देखो जी, वैसे तो मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं, पर मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी है, जैसे पैसा है ये किसी के साथ तो जाना नहीं है, हो सकता है शायद ये साथ लेके चले जाए। तो मेरे को इतना पता है कि शायद ये भी ये लिख के दे दू तो काम तो होता नहीं, मगर किसी की बद्दुआ लग गई ना गरीब की, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बद्दुआ तो बद्दुआ तो आप लोग कोई दुआ तो दे नहीं सकते, देंगे तो बद्दुए देंगे। तो वो क्या कहते हैं, भगत जगत को ठगत है, भगत है ठगे ना कोई, एक बार भगत की जगह को किरण तंत्र हो। अच्छा, मतलब ठगत नहीं हमारे पास, तो देखो हम तो वैसे ही मरे मराए, हम परेशानी वाले, हमें इनका क्या बिगाड़ लेंगे, काहे नहीं बिगाड़ लेंगे, बद्दुआ देंगे तो जब लोगों की ज्यादा बद्दुआ हो जाती है तो अच्छे अच्छे को बिगाड़ देते हैं, राजा भी कंगाल हो जाता है। ऐसे अब तो आप बिल्कुल चिंता न करिए, हम मतलब आपकी बात को समाज तक पहुंचाते हैं, कम से कम जो दूसरे लोग हैं तो वो तो उससे ठगाई से बचे, अभी इनका मर्जी है ये पैसे को गद्दे में बिछाएंगे कि खाएंगे, अब ये तो यही समझ सकते हैं। पर कुल मिला के जो गरीबों की हाय ले रहे हैं तो इनका इस हिसाब से तो भला नहीं हो सकता, कभी ना कभी तो इनके लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। देखो आप इस दिन कह रहे थे कि भाई आप गलत बोलते, मैं क्यों कह रहा था,
मैं ऐसी करौली धाम में गया तो मेरी पर्ची भी कट गई, मैं पड़ा हूँ मरा था तो मेरे को इतने सरकार लगे फिर अरे भैया चले जाए आया काय को ये मुंह दिखाई थी इतने पैसे लेते हैं जिसमें किसी अगर कोई सुंदर चीज है तो जो अपने देश में हीरो वगैरह माने जाते हैं उनका टिकट लग जाए 10,000 का और या ऑर्केस्ट्रा देखने जाते लोग वहाँ पैसे खर्चे जाए तो आदमी उसका बिल फिर नहीं मानता है यार आदमी ने कहा मुंह देखने के पैसे दे क्या फिर भी ठीक नहीं हो तो मैं जहाँ भी गया हूँ मेरे को इतना सगा है लोगों ने कि अगर मैं लिस्ट लेकर बैठ जाऊँ ना तो कम से कम मैं 200 जगह घूम के आया हूँ। वाह तो आपके साथ तो सही से बहुत अन्याय हुआ है आचरण भाई। ऐसा है कि कुल मिला के ये मैं वीडियो डालता हूँ जिससे जो दूसरे लोग हैं तो कम से कम वो तो उन्हें तो ठगाई से बचा सके और भविष्य में आप देख लीजिएगा कहीं ना कहीं से ऐसी परिस्थिति पर सत्ता जरूर खड़ी करेगी कि इन्हें ये नहीं समझ में आएगा ये माफी मांगेगी तो इन्हें माफी नहीं मिलेगी और गरीबों को जिस तरह इन्होंने चूसा है उनकी हाय तो इनके लिए बहुत नुकसानदायक होनी होनी है। ठीक है मैंने आपकी जो फोटो भी आ गई है मेरे पास और हाँ एक चीज और पता चली है कि मंदिर के नाम से कहते हैं कि हम मंदिर के नाम से ले रहे हैं तो मंदिर क्या लोगों की जेब से निकाल के ही बनता है क्या भाई? मंदिर बनना है तो इतने बड़े बड़े मंदिर बने हैं और इतना ज्यादा धन आता है कि जो संभाल ही नहीं संभलता है और इन्हें अगर अच्छा कार्य करे तो ऐसे इनके साथ भी होगा पर ये क्या कर रहे हैं कि एक एक की जेब से गरीबों की जेब से निकाल रहे हैं तो क्या गरीबों का पैसा निकाल निकाल के मंदिर बनवाएंगे तो क्या वहां पर सत्य की स्थापना हो पाएगी क्या? देखो जी मैं एक चीज जानता हूँ, मैं ये कहता हूँ भगवान मुझे आज कोई ठीक कर देता और मेरे दिल में सबूरी आ जाती तो मंदिर क्या चीज है? एक माँ तो उल्टा लोग मांगने जाते हैं और श्रद्धा के हिसाब से चढ़ा भी आते हैं बिल्कुल है? तो उसमें आदमी ये नहीं कहता ना उसमें दिल दुखता है कि हमने वहाँ पे चढ़ाया, ये क्या है ये तो एक ठगाई टाइप हो गया। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल, और अगर दिल दुखा के आप किसी का कुछ बनवा भी लेते हैं तो मंदिर कहाँ रह जाएगा। खैर इनकी मर्जी है, हम तो प्रगत सत्ता से ही निवेदन करेंगे कि इन्हें उचित दंड मिलना चाहिए और बकाया फोटो आ ही गई हैं और हम उसको जल्दी से जल्दी बना के डालते हैं, कल ही आपको देखने को मिलेगा चरण भाई। चौहान साहब गुस्सा तब आती है सनातन के ठेकेदार बन जाते हैं ना, हाँ तब गुस्सा आती है। मैं क्या कह रहा हूँ मैंने इतना पैसा खर्च किया कोई आके मेरे से यूँ कहे तो भाई तू बता कहाँ कहाँ गया था। ये सनातन की जो ठेकेदार है ना, मतलब ठेकेदार मीन्स जो ये सनातन के ठेकेदार बन रहे हैं तो ये सनातन को मिटाने वाला ठेका है इन्होंने लिया है, सनातन को बनाने वाला ठेका नहीं है इनके पास। तो इस तरह करेंगे तो सनातन की कितनी बदनामी होती है, इन्हें एहसास ही नहीं है, धर्म को इन्होंने हाशिए पे ला के खड़ा कर दिया। ठीक है चरण भाई अब आपको भी जाना है तो निकल जाइए, मैं इसकी तैयारी करता हूँ जी। जय माता की। हाँ मैं जो आपसे उस दिन कह रहा था कि इससे तो मैं सनातन धर्म से कई और बना अपना लूंगी बढ़िया, कम से कम सगाई तो नहीं होगी। हाँ तो वो मेरे को गुस्सा चढ़ाता था, इन लोगों में कोई रहम दिल की चीज नहीं है, काहे के ये सनातन नहीं है काहे के ये। सही बात है सही बात है, इनके रहम होती तो ऐसे करते क्यों? अरे ये तो भैया वो बिल्कुल वो है जो वो काटते हैं जानवरों को और वो है वो बिल्कुल ये कलम से मार रहे हैं। अच्छा जो कसाई होते हैं? अरे वो बढ़िया है, कम से कम प्राण तो निकल जाएंगे, तुम ये तो तड़पा तड़पा के मारना हो गया। हाँ ये तो बहुत ज्यादा गलत है, आपके साथ तो सही से गलत हुआ है और मैं डालता हूँ चरण भाई। ठीक है जी ठीक है ठीक है, और नहीं तो ऊपर वाला चाहिए। ठीक है जी हाँ जय माता की जय माता की जय माता की।